नमस्कार, आप देख रहे हैं फोकस टीवी हरियाणा। आपके साथ मैं हूं सूर्यकांत बड़थुआर। वैसे तो मिठाइयां खाने खिलाने का दौर साल भर चलता है, लेकिन त्योहारों के सीजन में मिठाइयों की डिमांड काफी हद तक बढ़ जाती है और इसके साथ ही सक्रिय हो जाता है मिलावट माफिया। जी हां, आपके त्योहारों पर है मिलावट माफिया की काली नजर, लेकिन फोकस टीवी हरियाणा ने मिलावटखोरों के खिलाफ छेड़ दी है एक मुहिम। इस मुहिम में उन चेहरों को बेनकाब करेंगे जो आपकी मिठाई में जहर घोलने की साजिशें रच रहे हैं। हम आपको उन दुकानों की हकीकत दिखाएंगे जहां मिठाई के नाम पर जहर बेचा जा रहा है। एक पुरानी कहावत है, ऊंची दुकान फीका पकवान। ये कहावत हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की कई बड़ी दुकानों पर एकदम सटीक ढंग से लागू होती है। यहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ऐसी कई दुकानों पर छापेमार करके घिनौने सच से पर्दा उठा दिया। बड़ी बड़ी दुकानों तक सप्लाई होने वाली मिठाइयां बेहद गंदगी के बीच बनाई जा रही हैं। तस्वीरें देखकर आप भी समझ जाएंगे क्यों हम आपको त्योहारों के सीजन में मिठाई खाने से खबरदार कर रहे हैं। नकली मिठाइयों पर फोकस टीवी की मुहिम चलाई जा रही है और हमारी लगातार ये कोशिश है कि त्योहारों पर मिठाइयों को कड़वा करने की कोशिश करने वालों पर नकेल कसी जा सके। इस मुहिम पर हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर मिठाइयों की एक दुकान पर जा पहुंचे, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा और मिठाइयों को सील किया। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और इसके साथ ही खाने की चीजों में मिलावट भी शुरू हो चुकी है। इस समय हम चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन के साथ गांव दड़वा में है, जहां पर एक जो है ये मिठाई बनने का ये जो है कारखाना है, जहां पर मिठाइयां बन रही हैं और स्वास्थ्य विभाग ने अभी अभी यहां पर जो है रेड की है और काफी भारी मात्रा में जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहां पे सैंपल भी भरे गए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहां पर साफ सफाई की व्यवस्था की, हर तरफ जो है गंदगी फैली हुई है, साफ दिख रहा है। यहां पर पानी की जो और जो बर्तन धोने की जो व्यवस्था है पूरी तरह से चरमराई हुई है। और जो यहाँ के दुकान वाले हैं जिनका ये प्लांट है जहाँ पर जो मिठाइयाँ बनती हैं, वहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग ने अभी सैंपल भरे हैं और ये पूरी जो दुकान है पिछले काफी लंबे से यहाँ से चल रही है और लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है इनके नोटिस दिए जा रहे थे कि सीजन शुरू हो रहा है त्योहार का और जो है उसके चलते जो है आपको साफ सफाई का और जो ये सामान जो है दूध से बना हुआ सामान है उसकी जो है पूरी तरह से गुणवत्ता का ध्यान रखना है। हमारे साथ जो है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, जो है यहाँ पर जो आपने रेड की है तो इसमें क्या क्या कलेक्ट कर रहे हैं? हमारे सेफ्टी ऑफिसर सुखविंदर सिंह है, वो वहाँ सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। मिल्क केक का सैंपल हो रहा है, किसका? कलाकंद का। कलाकंद का सैंपल लिया हमने, सारा हमने चेक किया है और यहाँ जो सक्शन भी हुई है करीब 50-60 किलो के करीब हमने मिठाई की जो एक्सपोज थी बिल्कुल कवर्ड नहीं थी, अनकवर्ड मिठाइयां हमने डिस्ट्रॉय करवा दी है। ये देखिए इस हलवाई का बेशर्मी भरा बयान। पूछा जा रहा है कि मिठाई बनाने की जगह इतनी गंदगी क्यों है, तो ये कुतर्क करने से भी बाज नहीं आ रहा है। वो जो कह रहा है उससे साफ है कि मिठाई बनने की जगह पर साफ सफाई की जरूरत उसकी नजर में कितनी है। साफ सफाई का मतलब वो दीवारों से लगा रहा है। वो हमारे रिपोर्टर को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी दुकान की दीवार कितनी साफ है, मिठाई बनाने की जगह चाहे कितनी ही गंदी क्यों ना हो। सफाई देखो, आप ये दीवारें देखो कितनी हमने वॉश करवाई हैं, महीने हर महीने वॉश करवाते हैं। टाइलें वगैरह देखो, ये टाइलें लगवाई हुई हैं, प्रॉपर इसके जाली हमने व्यवस्था की हुई है। बाकी सफाई आप घर में 2 कप चाय के बनाते हैं उसमें भी गंदगी पड़ने का, आप किचन में बनाते हैं पड़ी जाती है गंदगी। चंडीगढ़ में त्योहारों के इस मौसम के शुरू होने से पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने शहर की नामी दुकानों की गुणवत्ता जानने का काम शुरू कर दिया है। विभाग का ये भी कहना है कि वो जल्दी ही गांवों कस्बों में भी इसी तरह की छापेमारी का काम शुरू करेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलावटखोरों के खिलाफ जागरूक करेगी। पब्लिक से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे टाइम टू टाइम हम लोग सैंपलिंग करते हैं, लोगों को भी अवेयर करते हैं कि कलर्ड वाली मिठाइयां और जो ओपन पड़ी हुई है मिठाइयां उसको बिल्कुल ना खरीदें। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जगह जगह मिलावटखोरों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी की जा रही है, पर आम लोगों को भी कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। जहां तक हो सके मिठाइयां अच्छी दुकानों से ही खरीदें। यदि कोई दुकानदार सस्ते में महंगी मिठाई बेचे तो उसकी जांच पड़ताल करके ही खरीदें। रंगीन मिठाइयों से जितना हो सके बचें, क्योंकि ऐसी मिठाइयां जानलेवा हो सकती हैं। चंडीगढ़ से फोकस टीवी हरियाणा के लिए विशाल ठाकुर की रिपोर्ट।
तो ये रिपोर्ट आपने हमारी देखी। फोकस टीवी हरियाणा ये मुहिम चला रहा है उन मिलावटखोरों के खिलाफ जो कि त्योहारों के सीजन को में स्वाद को फीका और लोगों को बीमार करने का काम करते हैं। आपको अब वो रिपोर्ट दिखाते हैं जहां जन स्वास्थ्य विभाग ने एक और टीम बनाकर छापेमारी की और क्या कुछ बरामद हुआ हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। करनाल में दिवाली के नजदीक आते ही मिलावटखोर प्रशासन से बचने के लिए चोरी छिपे मिलावट का कारोबार चला रहे हैं और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। करनाल पुलिस की CIA शाखा ने गुप्त सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश से करनाल पहुंची एक बोलेरो गाड़ी को सेक्टर 14 से पकड़ा। गाड़ी से 4 क्विंटल 10 किलो नकली खोया बरामद किया है। पुलिस ने गाड़ी समेत 4 नकली खोया सप्लाई करने वालों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को भी दी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और खोए की सैंपलिंग ली गई, जिससे ये पुष्टि हुई कि ये खोया नकली है। सेक्टर 14 के पास जो गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पे ये गाड़ी रोकी गई, तो इसमें करीबन 4 क्विंटल खोया ये फैक्ट्री में मिला है। ये इधर UP साइड से है, देखते हैं इसकी चेकिंग के लिए 4 सैंपल हमने 3 सैंपल लिए हैं। पुलिस का कहना है कि ज्यादातर मावा करनाल के साथ लगते उत्तर प्रदेश के इलाकों से आता है, जिसमें सबसे ज्यादा मिलावटी और नकली खोए की सप्लाई उत्तर प्रदेश से ही होती है। पुलिस इस गिरफ्तारी को अपनी बहुत बड़ी कामयाबी मान रही है। अपना SI को इन्फॉर्मेशन